हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। आज हम फिर से खेलने आ रहे हैं भाई कार फॉर सेल सिमुलेटर। आपको मेरी आंखों से पता चल रहा होगा मैं पूरी रात का सोया हुआ नहीं हूँ। और एक गेम के अंदर हमने काफ़ी अच्छा चेंज किया, क्योंकि हमने एक चैलेंज दिया था कि हम जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हम सेल करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपके भाई ने अपनी जो कार है वो मतलब चेंज कर दी है, क्योंकि उस कार के अंदर काफ़ी नॉइस था और हमें चाहिए थी यार एक शांत कार जिसके अंदर बिल्कुल भी साउंड ना हो। तो वो है भाई हमारी फाइनली टेस्ला, जो कि यार अभी गंदी हो चुकी है। खैर उसको यहीं क्या, यहीं अभी साफ़ करने वाले हम लोग। और भाई ये कार हमने अपने लिए मतलब रख ली, वो सस्ती सी कार थी पुरानी, उसको आज हम सेल कर देंगे। और टोटल आज हमारे शोरूम पे कम से कम 7 से 8 गाड़ियाँ या फिर इससे भी शायद ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे पास। हाँ तो देखते हैं कि भाई आज कार मार्केट नहीं और यहाँ पर अनपेड बिल्स आ रहे हैं, तो दुआ करो कि बिल्स मतलब 58,000 के अंदर अंदर ही हो, वरना फिर मेरे ख्याल से शायद इसमें ऐसा होता है कि हम कार मतलब सेल कर भी नहीं पाते। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी धुल चुकी है टेस्ला, ये देखो भाई फुल शांत, बेहतरीन हल्की सी आवाज़ आएगी इसकी और फिर इसके बाद बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये फुल ठंडी गाड़ी है, मतलब बगैर आवाज़ की गाड़ी जो हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक कार। हाँ ये भाई इलेक्ट्रिक कार है। तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले ऑफिस के अंदर और देखते हैं कि भाई कितने अनपेड बिल्स हैं हमारे। दुआ करो कम ही हुआ, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं है और अगर ज़्यादा हुए तो मैं करूँगा क्या, मैं ये सबसे पहले तो ये सोच रहा हूँ। लेकिन इसका ब्रेक बहुत देर से लगता है, खैर वाली बात है, इतना तो हम बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहाँ इतनी गाड़ियाँ मतलब नॉइस करती हैं वहाँ ये बिल्कुल भी शोर नहीं करती, तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार से भाई हमारे पास, इतनी कार तो मेरे ख्याल से कार मार्केट के अंदर भी नहीं होती मेरे ख्याल से। हाँ भाई सबसे पहले इन गाड़ियों को लगाना है, पहले बिल चेक करना है, बिल कितना है, इससे पहले हमें कचरा उठाना है। यार ये पता नहीं मेरी क्या कहते हैं, हाँ डीलरशिप का गया कचरा कौन छोड़ के चले जाते, कुछ समझ ही नहीं आता। कंप्यूटर पे जाते हैं, वेब पेज पे जाते हैं और बिल्स पे जाते हैं। बिल से भाई 73,000 के, तो मैं कैसे मतलब सेल करूँगा, बिल भरूँगा यार। आर बैंक से अगर लोन मिल जाए, मैंने वैसे पहले लोन लिया हुआ है, लेकिन उस लोन से मैंने इतना लोन लिया था और उस लोन की वजह से देखो मैंने कितनी कार परचेस कर ली है। ये होता है भाई एक नेमन का बिजनेस माइंड। तो हम यहाँ पे गाड़ियों को लगाते हैं सेल पर, दुआ करो लग जाए भाई। कोडा जो भी गाड़ी थी ये भाई हमने 38 की ली थी और 48 समझो 50 की पड़ी, तो इसको लगाएंगे हम 87,978 सही है। और इस गाड़ी को लगते हैं भाई अच्छी कार है ले लो। ओके गाड़ी की भाई हम तस्वीर डालने वाले, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे पास। और ये कौन सी गाड़ी थी, एक तो गाड़ियों के नाम भी नहीं पता मेरे को यार। यहाँ पे होंडा स्टेप ये ली थी भाई हमने 30 की समझो, और 7 का खर्चा कराया, 30, 35, 36 की पड़ी हमें, तो इसको बेचना चाहिए हमें 64,000 की ना। ओके इसको लगाते हैं, ये भी सही कार है। मैं मतलब आज अजीब अजीब से लगा रहा हूँ। राडा हैच बक पता नहीं क्या नाम था इसकी, भाई प्राइस थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि डबल से ज़्यादा मार्जिन हम रखेंगे तो बहुत कम कस्टमर लेते हैं, लेकिन ले लेते हैं वो फिर भाव तोल करते हैं। तो भाई इसकी मार्जिन हम रखेंगे 15, 30, 28 रखते हैं, ताकि यार जो ले तो वो ले भी तो सके ना। हाँ सस्ती कार है। ओके इसके अलावा टेस्ला M3 मतलब टेस्ला M3 47 और 50 अराउंड इसको बेचेंगे हम 89,786। और इलेक्ट्रिक कार है बॉस ले लो, काम आएगी तो ये काम आएगी सही लिखा है ना। हाँ ओके इसके अलावा भाई हमारे पास है किया कार्निवल, जो कि हमारी सबसे पहली गाड़ी थी जो हमने ऑक्शन में बाई की थी, मुझे सब याद है। 44 की लिए तो फिर इसको बेचते हैं 78 की। अच्छा मैं इतने की बेच रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा मुनाफा ना हो। पाकिस्तान की कंपनी है, नहीं पाकिस्तानी कंपनी ने, फिर भी चलो लिख दो कौन सा हमें कोई पकड़ लेगा यहाँ पे आके। ऑडी Q7 बहुत सस्ती है यार, 17,000 की बेच रहा हूँ। ऑडी इतनी सस्ती नहीं मिलेगी, SUV है
हाउ नहीं है, ओके। और इसके अलावा हमारे पास उनडे फंडा है, 27 और 38, 35, 35-65 लगा दो इसके, ओके। अजीब सी का अजीब नहीं अजीब सी कार नहीं, अजीब सा नेम है कार का, ओके। तो भाई अभी बची 3 गाड़ियाँ, ऑडी टी टी। ये हमने यार आज खारिज बहुत हो रही है मेरे को, 30 की समझो तो 60 नहीं 55 की तो जानी चाहिए। हाँ ऑडी, और कहाँ गया ऑडी है, ले लो फिर। सही है, अजीब अजीब पर लिख रहा हूँ मैं। अच्छा ये गाड़ी हमारे पास है सबसे महंगी, ये कौन सी कार है यार, इसका नाम क्या था? 2 सेकेंड, सबसे नीचे है ना, फियाट अबाड़ा, ओके। 1,97,000 की ली थी, 96 की, तो इसको हमें 2,45,89,000, 1,2,3,4,5, ओके। सबसे महंगी कार है भैया जी, ओके। चेवलेट, ये भी महंगी यार, मतलब हाँ ये हमने मतलब पहले बहुत परचेज करके बाय कर दी है, ओ सेल कर दी है, ये भाई अच्छे दामों में बिक जाती है, मतलब जितनी ही खरीदते हो उससे डबल की बिक जाती है, हर बार अच्छी प्राइस मिली है। भाई मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो भाई फाइनली सारी गाड़ियाँ हमारी लग चुकी हैं सेल पर और हम चलते हैं बाहर। ओए होए कस्टमर की तो भाई आज भीड़ ही भीड़ है, मैंने सोचा था कि एक कस्टमर जा भी चुका है, मैं सोचा था कि यहाँ पे आके मतलब वो करूँगा कि गाड़ी हम अपनी साफ़ करूँगा, तो भाई सबसे पहले महंगा कस्टमर डील करते हैं। ऑडी Q7, 67,000 है ना, तो इसके हम देंगे 72,399, ओह सॉरी भाई, था काफ़ी कस्टमर मेरे जा भी रहे हैं यार। ओके भाई आंटी ले लो कार, ये वाली कौन सी गाड़ी आपकी, ओ हो ये तो सबसे महंगी गाड़ी ले रही भाई, ओके ओके। 2 लाख नहीं यार, चलो 3 लाख तो दे रही है, 3,45, ओके जल्दी करो, मेरे पास काफ़ी कस्टमर है, मेरे पास टाइम नहीं यार। ओ यार एक तो आप लोग इतनी गरीबी दिखाते हो ना, 3,20 पर इससे कम में मैं नहीं देने वाला, नहीं तो फिर आप जा सकती है मदद के साथ, क्योंकि मैंने ओके भाई फाइनली आंटी ने परचेज़ कर ली है। ये गाड़ी के हमने मांगे $64,000 और ये अंकल देने वाले हैं हमें $39,000। अब मेरे ख्याल से कोई और भी खड़ा हुआ है इस कार को देखने के लिए, उसको छोड़ो, 39,59, ओके इट्स अ ग्रेट डील, 67, ओके। वो अंकल जा चुके हैं, उनको बताना मैंने बेचनी नहीं उनको, तो यार वो बहुत ज़्यादा पैसे कम पैसे बता रहे थे, इनको देखते हैं भाई 63 के अंदर, 63,999 मतलब 64 ही हो गया अराउंड। ये डील वैसे मतलब काफ़ी अच्छी होती है। अरे आंटी आप भी चली गई यार, यार 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 लोग जा रहे, क्योंकि मैंने सारी गाड़ियाँ एक साथ लगा दी है तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। चल निकल भाई निकल, चला गया तब जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता ना, जाहिर सी बात है। 87 मांगे आप, कितने दे रहे हो, 54 दे दो, 53,400 दे दो, चलो ओके थैंक यू, निकलो 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 जल्दी आंटी आप भी जा रही हो, निकलो भाई। आज तो कस्टमर की मेरे आपके भाई की डीलर शॉप पे भीड़ लग गई है, जैसे बहुत सारे कस्टमर हो गए हमारे। ये हमने 41 कह रहे हैं ना, 46 दे दो और निकलो, 2 सेकेंड आंटी आइए, क्या पता आंटी थोड़ी महंगी ले रहे, जैसे लालच बुरी बला है, लेकिन 41 कह रहे थे ना, हाँ ये तो आंटी कह रही है 41, 45 ले लो आंटी जल्दी, ओके थैंक यू। आपको भाई ऑडी Q7 सही है, इसमें मैं ज़्यादा भाव तोल करने वाला नहीं, जितने आ रहे होंगे दे दूंगा। हाँ सही है, थोड़ा बहुत तो मतलब फ़ायदा हो रहा है ना, मैं हालांकि मैं चाहता तो इसके अंदर थोड़ा बहुत फ़ायदे वो थोड़ा बहुत वो कर सकता था मैनेज, 28 अगर 21 भी दिया तो मैं ले लूँगा, 23, वाह लालच आ गई आपके भाई के अंदर, ओके भाई ले लो, चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको एक कस्टमर है अच्छा इस गाड़ी के लिए है, वो पहले आई थिंक 30 या 40, 31 दे रहे थे, तो ये 34 दे रहे हैं, 37, ओके ओके थैंक यू भाई। देखते ही देखते हमारे शोरूम की अक्सर गाड़ियाँ बिक चुकी है हमारे पास वापस से, 6,00,000
88,000 रुपीज़ हो चुके हैं। उन्होंने 36 30 30 30 30 30 30 जो मेरा रे निकलता ही नहीं है ये लोग। ओए होए 42 ओके 47 888। रात हो गई। थैंक यू। चैबलेट 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 जल्दी इसको भी बेचो यार, नहीं तो ये चली जाएगी। 1,07,000, 1,17,000, 1, 2, 3, 4 सॉरी भूल गया था, हाँ 1,17,000। ओके थैंक यू। तो फाइनली हमारे शोरूम की सारी कार बिक चुकी है, मतलब इतनी जल्दी इतनी सारी कार बिक जाएंगी और हमें पता ही नहीं था। ना मैंने गाड़ी को वॉश किया ना कुछ किया, मैं तो चाह रहा था कि यार गाड़ी को अच्छे से वॉश करें। और हाँ यार, अनपेड बिल है, सबसे पहले हमें वो करने हैं पेड ना। ये रहा अनपेड बिल हमारा, 73,000 हमने पे कर दिया। और अभी भी हमारे पास बचे हैं भाई तकरीबन 7,79,000। और मैंने ऑफलाइन मतलब ये भी 250,000 डॉलर के अंदर, मतलब 2.5 लाख डॉलर के अंदर मैंने अपनी जगह भी बड़ी कर ली थी। और अगर अभी और अगर हमें जगह बड़ी करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कितने डॉलर चाहिए? 7.5 लाख डॉलर है तो हमारे पास। जैसे ट्विन ट्रक मैंने सारे ख़रीदे, 7.5 लाख डॉलर चाहिए, लेकिन समझो ना नहीं चाहिए अभी, मतलब समझ रहे हो ना जो तुम मैं चाह रहा हूँ कहने के लिए। हाउस कैसे परचेज होगा यार? हमें चाह रहा हूँ कि हाउस परचेज कर ले हम। हाउस परचेज कहाँ से होगा यार? लीडरबोर्ड डेकोरेशन नहीं, ई कंप्यूटर अपग्रेड्स, ऑफिस अपग्रेड, टोइंग ट्रक, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो भाई छोड़ दो, हाउस हम बाद में देख के अपग्रेड कर लेंगे, मतलब जो हमारा होगा। अभी चलते भाई ऑफिस को करते हैं बंद, और सबसे पहले चलते भाई हमारे टेस्ला के पास। इतनी प्यारी लग रही है यार माशाल्लाह ये कार। और आई होप आपको ये व्लॉग मतलब ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर बेसिकली यार मेरा जो चैलेंज था, मैंने 7-8 कार्स का लिया था लेकिन हमने जगह बड़ी करी और जितने पैसे थे हमने सारे स्पेंड कर दिए। और आपने देखा नहीं होगा कि मतलब कोई छोटी कार थी नहीं, सिर्फ ऑडी Q7 थी, वो भी हमने 11,000 की बेची थी। इसके अलावा हमारी सारी अबव 30,000 थी, और एक सबसे महंगी कार थी जो हमने 3 लाख एंड समथिंग अराउंड की बेची है। तो उसमें हमें काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है। होगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। आप लोग मतलब व्यूज़ देते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो कुछ ना कुछ मतलब मेरे में कमी है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपके भाई के सपोर्ट के लिए लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।